क्लासेस कोटा आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। लॉगरिथम का हमने कल स्टार्टिंग या बेसिक्स हमने पढ़े। कल मैंने 1 से लेकर 6 यहाँ तक के प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने कुल मिलाकर आपको ये बताने की कोशिश की कि बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि a की पावर log ऑफ n टू द बेस a, मतलब log उसी नंबर पर पावर है जो कि उसका बेस है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और दैट इज इक्वल टू n। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मैंने बाकी की सभी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की कोशिश करी और आपको बताया कि हम इस एक बेस से बाकी सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इससे हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहाँ तक हमने प्रूव किया। सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बच्चों ने कहा कि इसका हमें एक प्रूफ और बताइए, जो आपने दिया वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ था। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं हम कि जो सिक्स प्रॉपर्टी है जिसमें लॉग ऑफ एम टू द पावर एन, एम की पावर एन और बेस ए है, इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो एम पर पावर है एन ये मल्टीप्लाई हो जाता है और आपके को लॉग ऑफ एम टू द बेस ए मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी सिक्स कि लॉग ऑफ एम टू दी पावर एन एट बेस ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग टू द बेस ए एम मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एम, और ऐसा कितनी बार होगा, ऑब्वियसली एन टाइम्स। m की पावर n है, इसका मतलब m इंटू एम इंटू एम कितनी बार हुआ, n टाइम्स हुआ। यदि n स्क्वायर है तो m इंटू n, n की वैल्यू 5 है तो m इंटू एम इंटू एम इंटू एम 5 टाइम्स हो जाएगा, और n पावर है इसका मतलब m इंटू एम इंटू एम कितनी बार होगा, n टाइम्स। अब आप सीधा सीधा सेकेंड प्रॉपर्टी पर आ जाइए कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn, ये हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट में है दो नंबर एम एन, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। अब यहां पर एम इंटू एन इंटू पी थ्री नंबर्स होते तो क्या होता, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी। तो कहने का मतलब ये है कि लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस जितने भी मल्टीप्लीकेशन है वो किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस log of m to the base a, और ये कितनी बार होगा, जितने ये m है ये होगा n times, और n times है log of m to the base a, log of m to the base a, log of m to the base a, ये n times हो रहा है। तो हम इसको सिंपली बोल देंगे कि n times log of m to the base a, n times log of m to the base a। तो ये प्रूफ अब तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि सिक्स प्रॉपर्टी जो थी लॉग ऑफ एम टू द पावर एन बेस ए, तो ये जो एम पर पावर होता है इसको यदि हम हटाएं तो ये यहां से कहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका नाम है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगह काम में आती है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहां पर log ऑफ n टू द बेस a है, a बेस के साथ में है ये, और इसको हमने लिख दिया, इसका बेस हमें ए से चेंज करना है, ए की बजाय मान लो बी करना है, सी करना है, डी करना है। हाँ, ये तो मस्ट है कि जो भी बेस आप करेंगे वो बेस पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट, पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। तो log ऑफ n टू द बेस ए, मान लीजिए मैंने इसका बेस बी कर दिया, वेयर बी इज पॉजिटिव एंड बी इज नॉट इक्वल टू वन, तो आपको करना क्या है कि log ऑफ n
एन का लॉग ले लीजिए, बेस ए है इसका लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ ए, और जो नया बेस आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर दीजिए। लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, मान लीजिए हम बेस डी करना चाहते हैं तो बेस डी कर दीजिए। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो जो हमने कल डिस्कस किया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से इन सबको हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ ये कि आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बस आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स का नॉलेज सिक्स क्लास में हमें हो जाता है ना। तो log ऑफ n टू द बेस a, ये जो नंबर है log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, मान लीजिए हमें ये प्रूव करना है। व्हाट टू प्रूव? कि log ऑफ n और इसका बेस a है, हमें इसका बेस चेंज करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि बेस चेंजिंग का प्रॉपर्टी क्या है, कि ऊपर है n, इसका log ले लीजिए न्यूमरेटर में log ऑफ n, नीचे बेस है a तो इसका भी log ले लीजिए तो log ऑफ a, और जो न्यू बेस हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मान लीजिए हम b बेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये b बेस यहां पर रख दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो एक ऐसा प्रूफ मैं देना चाह रहा हूं कि जिसमें हमें मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तब भी हम इनको बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। आप तो सिंपली एज्यूम कर लीजिए कि log ऑफ n टू द बेस a, लेट इट बी x, फिर दूसरा log ऑफ n टू द बेस b, लेट इट बी y, और तीसरा log ऑफ a, डिनोमिनेटर वाला देखेंगे, log ऑफ a टू द बेस b, लेट इट बी z। तीनों को हमने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी x, लेट इट बी y, लेट इट बी z। अब हमें प्रूफ क्या करना है साहब? हमें प्रूफ यह करना है कि x इक्वल टू y बाय z, यदि यह आ जाता है तो आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7 बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, वो उसका प्रूफ मिल जाएगा हमें। अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x है। अब हम इसको कन्वर्ट किसमें करना चाहते हैं? सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्सपोनेंट फॉर्म में, है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a, यदि ये a की पावर है, मतलब log हटाने का तरीका, यहां से मुझे log हटाना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको a की पावर बना देता हूं पूरे को, तो इसको इस साइड भी a की पावर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इस log ऑफ n टू द बेस को a की पावर बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमें क्या मिलता है? n, n इज इक्वल टू ए टू द पावर x। कहने का मतलब है कि log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना। अब इसी तरह से यहां पर भी हम वही काम करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? b बेस है तो दोनों को b की पावर बनाना पड़ेगा, इसको भी b की पावर बना दीजिए और इसको भी b की पावर बना दीजिए, तो इधर हमें मिलेगा n इज इक्वल टू b टू द पावर y, ये हो गया। अब log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू z है, यहां पर फिर हमें log हटाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को b की पावर रेज कर देंगे, तो इधर हमें क्या मिलेगा? ये चीज वन हो गई, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू b टू द पावर z, a इज इक्वल टू b टू द पावर z। अब ये तीन इक्वेशंस आपको मिल जाती हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ये है n इक्वल टू a टू द पावर x और ये भी है n इक्वल टू b टू द पावर y, मतलब दोनों इक्वल है, ये भी और ये भी, यानी कि a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y बाय 1 एंड 2, तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y। ये हमें फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट मिल जाता है, दिस इज n, दिस इज n। अब
थर्ड से यहां से हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू बी टू द पावर z। तो a की वैल्यू यहां पर हम ट्रांसफर कर देते हैं, a की वैल्यू है b टू द पावर z और इसकी पावर लगी हुई है x, दिस इज इक्वल टू b टू द पावर y। कहने का मतलब ये हुआ कि b की पावर x इंटू z इज इक्वल टू b की पावर y। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू z इज इक्वल टू y एंड दैट इंप्लाइज x इक्वल टू y बाय z। ये मैंने सेकेंड मेथड दिया आपको प्रूफ करने का। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मैं प्रूफ्स पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, उनको बताने के लिए इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देखिए, लॉगरिथम एक बेसिक कैलकुलेशन का मेथड है और इस पर जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उनको सॉल्व आप कर सकते हैं बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम इनमें यूज़ में लेते हैं इनको कैसे प्रूव किया जाता है। यदि इनको प्रूफ करने का मेथड आपको पता है, इनके प्रूफ्स जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से इन सबको प्रूव कर सकते हैं, आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि हम इनको सिंपली एक्स वाई जेड एज्यूम कर लें, कुछ भी नहीं पता, और फिर हम इनको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंट का आपको रूल्स पता है, उन रूल से भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थी, बेस ए से मुझे बी करना था। अब क्वेश्चन उठता है कि बेस चेंज ही क्यों करना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ गई बेस चेंज करने की। तो बेस चेंज करने की सबसे पहले जरूरत तो ये पड़ गई कि जैसा कि मैंने कहा था कि लॉग का काम, लॉगरिथम क्या काम आता है, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। कैलकुलेशन इजी करना मतलब कैलकुलेशंस को कैसे हम इंप्लीमेंट करें, कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। लॉग टेबल्स बेस्ड ऑन 10, मतलब लॉग टेबल्स जो बनाई गई हैं वो किस बेसिस पर बनाई गई हैं, वो किस पर बेस लेकर बनाई गई हैं, वो लॉग ऑफ बेस 10 के बेस पर वो बनाई गई हैं। अब मान लीजिए हमारे पास है लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3, तो बेस 2 पर हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, वो कहाँ से मिलेगी, हमारे को तो बेस 10 हो तब हमारे कोई लॉग टेबल उसको वैल्यू बताएगी। तो हमें उसका बेस चेंज करना पड़ेगा और बेस क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा, दैट इज ए स्टैंडर्ड बेस। तो इस वजह से हमें लॉग का बेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पहली चीज़ तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस में जो लॉग एक्स है उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो क्या है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करने के लिए उसका बेस ई होना ज़रूरी है। अब बेस ई नहीं है, मान लीजिए ई के अलावा कोई और बेस है 3, 4, 5, 7, 10, 15 जो भी, तो उसका बेस चेंज करने के लिए फिर हमें बेस चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। वंस वी नो हाउ टू चेंज द बेस, तो 6 प्रॉपर्टी हमने देख ली, 7 प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब 8th प्रॉपर्टी log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है 1 बाय log ऑफ a टू द बेस n। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर यदि इंटरचेंज हो जाएं, ये n बेस बन जाए और a n की जगह चला जाए, तो इसकी वैल्यू पहले की वैल्यू से रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस n। अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका प्रोडक्ट 1 होता है, ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज होकर यदि हम लॉग लें तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ अभी तक हम लोग कर कर आए हैं, मतलब 7th प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से प्रूव किया और इसका एक बहुत ईजी प्रूफ मैंने आपको दिया कि बगैर कुछ करें आप सिंपली इनको अज्यूम कर लें x, y, z और उसके बाद हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज आपके सामने आ रही है, प्रॉपर्टी 8
log of n to the base e, तो log of n to the base e, अच्छा हम इसका एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहां पर ध्यान दीजिए कि इससे इसमें क्या चेंज हुआ, जब इस पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बेस a था और यहां पर बेस n हो गया, मतलब देखा जाए तो हमने इसमें इसका बेस चेंज कर दिया और इसका बेस हमने क्या बना दिया, n बना दिया। तो यहां पर हम यही चीज करते हैं कि इसका बेस चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि बेस चेंज करने के लिए हम log of n डिवाइडेड बाय log of a ये कर दिया, और अब हमें इसका बेस a की बजाय क्या करना है, n करना है, n बेस बनाना है, तो हम दोनों जगह बेस n बना देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी, यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे कि log of n टू द बेस n, ये दोनों नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है बाय द प्रॉपर्टी 5, log of a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो log of n टू द बेस n 1 बन गया, और यहां आपको क्या मिल गया, यहां आपको मिल गया log of a टू द बेस n। तो ये बहुत आसान सा प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी 8 का, है ना, वन लाइन प्रूफ। अब इसी तरह से 9th प्रॉपर्टी देखिए, ये जो 9th प्रॉपर्टी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 और 9 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना, 6 को उल्टा कर दें 9 बन जाता है, ये 9 को उल्टा कर दें 6 बन जाता है, तो यहां पर भी 6th प्रॉपर्टी क्या थी कि m पर पावर था n, और इस पावर को हम हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा इसी का रिवर्स, यानी 9th प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि बेस पर पावर है, m पर पावर नहीं है, बेस पर पावर है, यानी बेस a उस पर पावर है p। तो होता क्या है कि जब n पर पावर है उसको हटाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस पर पावर है उसको हटाएं तो वो क्या करता है, वो इस नंबर को डिवाइड कर देता है log of n टू द बेस a को, तो log of n टू द बेस a इसको डिवाइड कौन कर देगा, p। तो ये बन जाता है 1 बाय p log of n टू द बेस a, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप, इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, log of n बेस है a टू द पावर p और log n का लिया जा रहा है। तो हमने क्या किया कि बेसिकली हो क्या रहा है कि बेस था a टू द पावर p और अब यहां पर बेस क्या हो गया, a बेस हो गया, है ना। तो यहां पर भी हम इसका बेस चेंज करने के लिए log of n डिवाइडेड बाय log of a टू द पावर p, बेस क्या बनाना है हमें, a बेस बनाना है, तो इसका भी बेस a बना दीजिए और इसका भी बेस a बना दीजिए। मैं देखिए अभी तक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, उसके बाद में 7th प्रॉपर्टी जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया, अब उसी के हेल्प से 8th प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करी और 9th प्रॉपर्टी भी मैं उसी से प्रूव कर रहा हूं, कैसे कि बेस a टू द पावर p इसको चेंज करके मुझे बेस a बनाना है, तो मैंने बेस a बना दिया, उसके लिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का हेल्प ले ली हमने। अब आप देखेंगे कि यहां पर a टू द पावर p है तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि इस पर जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये p यहां से हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा यहां पर log of a टू द बेस a, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको हम हटा देते हैं यहां से, ये 1 हो गया, और क्या बचा log of n टू द बेस a डिवाइडेड बाय p, जो कि आपकी प्रॉपर्टी 9th है। क्योंकि p डिनोमिनेटर में आ रहा है तो p 0 नहीं हो सकता, यहां पर भी देख लेंगे हम कि इस पर यदि समथिंग वट एवर भी ए है, इस पर यदि 0 लगा देंगे पावर तो बेस 1 हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने कंडीशन डाली हुई है कि पी कैन नेवर बी 0, पी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है एम टू द पावर लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एन टू द पावर लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, कहने का मतलब क्या है इसको समझिए कि हो क्या रहा है, बेस चेंज नहीं हो रहा है, बेस सेम है, लेकिन ये जो n है वो यहां आ जाता है और m यहां शिफ्ट हो जाता है, ये इस प्रॉपर्टी में हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, इधर भी log ले लें और इधर भी log ले लें, मतलब log of m जिसकी पावर क्या है log of n टू द बेस a,
log of n to the base a is equal to, इधर भी log ले लिया तो log of n, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है log of m to the base a. अब मैंने दोनों तरफ log लिया, इसके और इसका दोनों तरफ log ले लिया, किस बेस पे लिया ये हम पर डिपेंड करता है, हम जो बेस लेना चाहें. तो हमने बेस a ही रहने दिया जो कि प्रीवियसली गिवन था. अब इस पर पावर जो है वो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी यहां पर, और ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा बनेगा log of n to the base a multiplied by log of m to the base a. यही चीज यहां पर है, सिक्स प्रॉपर्टी. n पर जो पावर है वो पूरी पावर हट जाएगी और कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में. तो हमें मिलेगा log of m to the base a multiplied by log of n to the base a. तो log of m to the base a into log of n to the base a, इधर भी यही चीज है, इधर भी यही चीज है. a into b कहो या b into a कहो, एक ही चीज होता है, रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है. तो ये प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी 10 का. तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो log की है वो हमने डिस्कस कर ली है, और अब मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस करी थी, इन्हीं पर बेस्ड प्रॉपर्टीज से कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज गिवन. लेकिन चूंकि कल हम पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर पाए थे, इस वजह से मैं हर तरह के प्रॉब्लम्स नहीं ले पा रहा था, और कंस्ट्रेंट बना हुआ था कि कुछ लिमिटेड जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेकर आऊँ. आज चूंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, तो मैं अब आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ जिनमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा, और यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो उसी पर बेस्ड एक अच्छी प्रॉब्लम है, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स. फाइंड द स्क्वायर of the equation log of x into log of x into log of x. सबका बेस, इसका बेस 3, इसका बेस 4 और इसका बेस 5 इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x बेस 3 एंड 4 प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ x बेस 4 एंड 5 प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ x 5 एंड 3. प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, सम, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उनको हम बोलेंगे रूट्स. उन रूट्स के सम का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेस डिफरेंट है. बेस 3, यहाँ बेस 4, यहाँ बेस 5, इधर भी 3 4, फिर 4 5, फिर 5 3, ऑपरेट ही नहीं कर सकते जब तक कि बेस सेम नहीं हो. तो
तो हमारा सबसे पहला एम ये है कि बेस को सेम करा जाए। अब बेस को सेम कैसे कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं एक चीज कि सब जगह हमने लॉग, इस प्रॉब्लम में देखेंगे आप कि सब जगह लॉग ऑफ एक्स लिया गया है, एवरीवेयर लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स। अब यदि मैं बेस एक्स बना दूं, बेस एक्स बना दूं, तो बेस एक्स बनाने से पहले क्या करना होगा, मुझे ये कंडीशन अजम्पशन लेना होगा कि लेट एक्स इज नॉट वन, क्योंकि बेस एक्स बना रहे हैं तो जो भी बेस हम बनाएंगे वो बेस वन नहीं होना चाहिए, वन हो ही नहीं सकता किसी भी लॉग में। तो अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं वन बाय लॉग ऑफ थ्री टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ फोर टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स। प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थी सेवन्थ, और उसके बाद की प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज हो गई कि यदि थ्री को एक्स की जगह और एक्स को थ्री की जगह रखें तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है, वन ओवर बन जाता है। यही चीज इधर करने पर आपको क्या मिलेगा, वन बाय लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स, सॉरी अब तो हमें बेस एक्स बना दिया है ना, तो लॉग ऑफ थ्री टू द बेस एक्स एंड लॉग ऑफ फोर टू द बेस एक्स प्लस इधर वन बाय लॉग ऑफ फोर टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स प्लस वन बाय लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ थ्री टू द बेस एक्स। ये मैंने एग्जैक्टली कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बेस चेंज किया है, मतलब सबका बेस एक्स बना दिया। ऐसा करने पर क्या होता है कि अब हम इस क्वांटिटी से, जब बेस एक्स बनाया है तो एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, एंड कैन नॉट बी वन, तो दोनों कंडीशन हम यहां पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, एक्स कैन नॉट बी वन एज वेल एज एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये जब जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, तब ठीक है ना। इस कंडीशन को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको इधर क्या मिलता है, वन इज इक्वल टू, या एलसीएम ले लें, या हम कहें कि इस क्वांटिटी से लॉग थ्री टू द बेस एक्स, लॉग फोर टू द बेस एक्स, लॉग फाइव टू द बेस एक्स, इस पूरे का जो मल्टीप्लीकेशन है इस क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर तो वन मिलेगा, यहाँ पर थ्री एक्स टू द बेस एक्स, फोर टू द बेस एक्स, यानी ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी और आपको मिलेगा लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स प्लस सेकेंड टर्म में हमें मिलेगा लॉग ऑफ थ्री टू द बेस एक्स प्लस लास्ट टर्म में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ फोर टू द बेस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, सबका बेस एक्स है तो फाइव इंटू थ्री इंटू फोर, मतलब log of 5 into 3 into 4, और it implies इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है, obviously x must be 60, इसको आप assumption लिया था कि x can never be 1, तो x यदि 1 होता तब क्या होता, तो आप देखेंगे कि log of 1 0 होता है, log of 1 0 होता है, तो यदि x equal to 1 होता तो ये साइड 0 हो जाती, ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता और ये भी जीरो हो जाता, मतलब x इक्वल टू वन इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक रूट तो मिला x इक्वल टू 60 एंड बाय ऑब्जर्वेशन अनदर रूट इज व्हाट, x इक्वल टू वन, इसको आप ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या जो केस हमने बनाया वो कि यहां हमने केस बनाया था कि x नॉट बी वन, तो दूसरा केस बनाते हैं x इक्वल टू वन, और x इक्वल टू वन का जैसे ही केस बनाते हैं हमारे पास ये आ जाता है कि x इक्वल टू वन इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट। अब चाहते क्या है, सम ऑफ द रूट्स, तो
सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ, सम ऑफ द रूट्स हो गया 60 प्लस 1, दैट इज 61। और आंसर क्या चाहते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, तो इसका स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61, 6 1 6 और 6 6 36। तो 61 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 3721। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 3721। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में, तो ऐसी एक प्रॉब्लम मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स। इफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 2। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो नोटेशन है लॉग की नोटेशन, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। नोटेशंस यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। There are two types of notations. One is standard log, another is natural log. What is standard log? See, actually, when log of x to the base 10, means when the base is 10, then it is called the standard log. और उस केस में इसको mention करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लिखते हैं ना प्लस 2, तो प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली 2 लिख देते हैं। लेकिन माइनस का 2 है तो साइन लगाना होता है। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड लॉग जब है तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 है, उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली लॉग ऑफ एक्स, ऐसा लिख दें। तो ये माना जाता है सेल्फ अंडरस्टूड है, बेस नॉट मेंशन है, मतलब लॉग का बेस 10 है, स्टैंडर्ड लॉग है। दूसरा होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब ये है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अब जब बेस ई होता है तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं और इसका नोटेशन होता है एल एन एक्स, इसको सिंपली एल एन एक्स लिखा जाता है। एल एन एक्स लिखा गया है तो आप समझ लीजिए कि इसका बेस क्या है, ई है। ई क्या चीज है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू
2.78 के आसपास होती है। इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.7 होती है, इतना आपको पता होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में होती है, इतना भी पता हो तो ठीक है। तो ये दो तरह के नोटेशन है। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि लॉग का बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 है। अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम या जो मिस्टेक्स जनरली अकर्स होती हैं, बच्चे करते हैं, आप वो चीज़ ध्यान में रखिए कि log of n to the base a ये कब डिफाइन होगा। सबसे पहले उसे डिफाइन करिए, तो ये डिफाइन कब होता है, when x square minus 12x plus 36, this must be positive। ये मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, हमने डिफाइन किया था कि log of n to the base a कब डिफाइन होगा, when n is positive, a is positive and a is not one, तीनों conditions हैं। तो यहाँ पर क्या केवल एक ही चीज हमें लिखनी है कि this quantity must be positive, क्यों, क्योंकि base defined है, base positive है, 10 और 1 नहीं है, तो ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये भी variable होता तो फिर हम इसके भी conditions बनाते, लेकिन वो जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको define कर दिया, अब इसको हमें solve करना है। तो solve करने के लिए इसका base 10 है, तो दोनों तरफ 10 का बेस लगा दीजिए, दोनों तरफ 10 का बेस लगाने पर क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है वो तो हो गई 1, ये जो चीज है log of 10 टू द बेस 10, यहां पर बेस कितना है 10 है, तो ये तो 1 हो गया। तो यहां आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 100 यानी माइनस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो या तो मिड टर्म स्प्लिट करके देख लीजिए कि 64 के ऐसे कोई फैक्टर हो रहे हैं क्या जिनका सम 12 आ जाए, तो 32 इंटू 2 ये होता है 64, डिफरेंस 30 आएगा, और कर लें 16 इंटू 2 इंटू 2, तो देख रहे हैं आप कि ये दोनों का सम 4 हो गया, 2 इंटू 2 और ये 16, तो 16 इंड 4 इसका डिफरेंस आ जाएगा 12, तो x माइनस 16 तो रहेगा माइनस का एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। और x की वैल्यू हमें मिलती है, एक वैल्यू मिलती है 16 और दूसरी वैल्यू मिलती है x इक्वल टू माइनस 4, ये दो वैल्यूज हमें मिलती हैं। क्या दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, दोनों ही नहीं है, एक है, तो कौन सा है? उसका जवाब आपने जो डिफाइनिंग किया था उससे मिलेगा। यदि आप x को माइनस 4 यहां रखते हैं, माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 यहां रखेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा और प्लस 36, तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 4 इज वेरी करेक्ट, ये तो करेक्ट आंसर है। क्या 16 भी करेक्ट है? तो 16 यहां रखते हैं तो आता है 16 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस इधर आएगा 12 इंटू 16 और प्लस 36। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 कॉमन, 16 माइनस 12 प्लस 36, अब आप देख रहे हैं कि 16 और 16 माइनस 12 कितना आएगा 4, तो 16 इंटू 4 प्लस 36 सब कुछ पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 16 भी इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन एडमिसिबल हैं, x इक्वल टू 16 एज वेल एज x इक्वल टू माइनस 4। तो जब भी आप लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करें
कंडीशंस जरूर उसके लिए बना लें और फिर उन कंडीशंस को चेक कर लें कि ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं क्या। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो रूट्स आपको मिलते हैं लेकिन दोनों ही गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस केस में फॉर्चुनेटली दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। स्टैंडर्ड लॉग बेसिकली एलजेब्रा में यूज़ होता है जिसमें बेस 10 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर भी दो चीज़ें जरूर आप याद रखें कि लॉग ऑफ 2 एंड लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 2 बेस नहीं लिखा है इसका मतलब बेस 10 है, लॉग ऑफ 3 इसका भी बेस नहीं लिखा है मतलब बेस 10 है। वैल्यू 0.3010, वैल्यू 0.4771। ये वैल्यूज जनरली गिवन होती है प्रॉब्लम्स में और यदि नहीं गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज होती हैं। डिवाइडेड बाय लॉग 2000 टू द पावर 6, इसका बेस है 4 प्लस 3 ओवर लॉग 2000 टू द पावर 6 और इसका बेस है 5। व्हाट टू डू, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाय लॉग, बेस कितना है 4, 2000 टू द पावर 6, 3 डिवाइडेड बाय लॉग 2000 टू द पावर 6, बेस कितना है 5। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि बेस डिफरेंट है। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें सबके बेस अलग अलग थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि बेस डिफरेंट है, 4 है 5 है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आपको सेम मिल रही है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है जो पहले हमने प्रॉब्लम्स की थी, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इज इक्वल टू, है ना, उसमें क्या था सब जगह लॉग एक्स, तो यहाँ पर सब जगह एक्स की जगह क्या दे रखा है 2000 टू द पावर 6, लॉग ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि हम 2 एज इट इज इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4 और ये बन जाएगा बेस 2000 टू द पावर 6 और लॉग किसका लिया गया 4 का प्लस 3 टाइम्स, यहां पर भी हम ऐसा ही कर देते हैं, लॉग ऑफ 2000 टू द पावर 6 और 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये चीज बनकर आती है।
क्या किया मैंने, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये इंटरचेंज हम पहले 6 इधर ले लें, उससे भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या हो रहा है कि ये बेस पर पावर है, ठीक है ना, बेस पर पावर है 6, तो इस 6 को जब हम हटाएंगे तो ये डिवाइड कर देता है और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग ऑफ बेस 2000 टू द बेस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2000 प्लस इधर 3, ये हटेगा 6 इधर आ जाएगा और आपको मिलेगा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2000। नाउ 1/6 1/6 दोनों जगह से हम कॉमन ले लें, तो ये 2 4 पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 16, 4 का स्क्वायर 16 टू द बेस 2000 प्लस लॉग ऑफ 1/6 तो हमने बाहर लिया है, तो ये 3 5 पर पावर लगेगा, तो 5 का क्यूब यानी 125 टू द बेस 2000। नाउ व्हाट, लॉग ऑफ 16 इंटू 125, 125 इंटू 16 80, 32 प्लस 8 40। तो आप देखेंगे कि 125 इंटू 16 यानी 16 इंटू 125 कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 2000 टू द बेस 2000। Log of 2000 to the base 2000 is 1. So answer is what? Final answer is 1/6. That's our answer. तो दोनों problems में पहले जो log of x वाली problem ली थी जिसमें base 3, 4, 5 थे और इस problem में भी जिसमें भी base different है, इन सभी problems को solve करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप base same बनाइए और जैसे ही आप base same बनाएंगे आपको आगे का रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स में मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाने की कोशिश की है कि जब भी बेस डिफरेंट हो अटैक करिए बेस पर, और बेस सेम बनाते ही आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट किस रास्ते पे चलना है। अब एक अलग वैरायटी की प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ जो फिर आपके एनडीए के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है इस वैरायटी की प्रॉब्लम्स को, और एसएसबी में भी ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। Given that log of 3 to the base 2, log of 3 to the base 2 is equal to a, log of 5 to the base 3, log of 5 to the base 3 is equal to b, log of 2 to the base 7, log of 2 to the base 7 is equal to c, ये given है। Express the logarithm of the number 63, log of 63 to the base 140.
इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, दिस शुड बी अ फंक्शन ऑफ ए बी सी। सिंपल सी बात यह है कि log ऑफ 63 टू द बेस 140, इसकी वैल्यू ए बी और सी की टर्म्स में क्या होगी ये आपको बताना है। मैंने इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ ए बी सी। यदि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए कि log ऑफ 63 टू द बेस 140 log ऑफ 63 टू द बेस 140 इसकी वैल्यू ए बी सी की टर्म्स में कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये बेस्ड हैं log ऑफ 3 टू द बेस a, log ऑफ 5 टू द बेस 3, log ऑफ 2 टू द बेस 7, सबके बेस डिफरेंट हैं, है ना। हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स करते हैं, जैसे 63 के फैक्टर्स करते हैं, तो फैक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 63 के यदि हमें फैक्टर्स करने हैं ये फैक्टर्स होंगे 63 के और 140 फैक्टर्स निकालने का तरीका भी बता दें आपको, बहुत आसान है। फिर 70, फिर 2, 35, फिर 5, 7, फिर 7, 1। प्राइम फैक्टर्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जितने भी नंबर्स आपको ये मिले ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना, 2, 3, 5, 7। तो 63 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 7, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3² × 7। और 140 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2² × 5 × 7। मतलब log ऑफ 63 टू द बेस 140 इसको आप लिख सकते हैं log 63 यानी 3² × 7 और बेस 140 है उसको आप लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। ये बेस। अब गिवन कंडीशंस जो है उनको इसमें कैसे यूज करना है, तो इसके लिए आपको लॉग हटाना पड़ेगा, तो इसको 2 की पावर रेज कर दीजिए, तो यहाँ पर ये चीज़ 1 हो जाएगी और आपको मिलेगा कि 2 to the power a = 3। यहाँ पर 3 की पावर दोनों तरफ रेज कर देंगे तो फिर ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 3 to the power b = 5। और यहां पर दोनों को 7 की पावर रेज कर देते हैं तो फिर ये 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 7 to the power c = 2। ये इक्वेशन 3 मिल जाएगी। अब हमें ए बी सी की टर्म्स में वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये लॉग यहां से हट जाना चाहिए, है ना। और लॉग तब हटेगा जब ये सब का सब एक ही बेस पर आ जाए, 5, 7, इन सबको या तो हम सबको 2 के बेस पे ले आए या सबको 5 के बेस पे ले आए या सबको 7 के बेस पे ले आए। तो हमें लग रहा है कि हमें 2 के बेस पे लाना आसान होगा क्योंकि 2² तो ऑलरेडी है, 5 को भी हम 2 के बेस पे लिख सकते हैं और 7 को भी हम 2 के बेस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि 3 की वैल्यू है 2 to the power a, तो 3 में तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर 5 और 7, तो 7
यानी थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 बाय सी। ये 3 से मिल गई हमें 4, यानी 7 की वैल्यू भी 2 की टर्म्स में मिल गई। अब हमें 5 की वैल्यू 2 की टर्म्स में लेकर आना है, तो 5 है 3 टू द पावर b, इट इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर b, और 3 की वैल्यू है 2 टू द पावर a, तो 3 की जगह हम लिख देंगे 2 टू द पावर a और होल टू द पावर b। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की वैल्यू 3 की जगह 2 टू द पावर a, तो 2 टू द पावर a भी, ये 5 की वैल्यू हो गई। अब ये सारी चीजें हम यहां पर लिख देते हैं log 3 स्क्वायर, तो 3 2 की पावर a है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2a, 2 टू द पावर 2a इंटू 7, 7 की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 1 बाय सी, 2 टू द पावर 1 बाय सी। ये तो हो गया इसका काम 3 स्क्वायर 7 का। फिर आ रहा है 2 स्क्वायर, तो बेस में 2 स्क्वायर, तो एज इट इज 5, 5 की वैल्यू है 2 टू द पावर ए बी, तो 2 टू द पावर ए बी। और फिर आ रहा है 7, 7 की वैल्यू है 2 टू द पावर 1 बाय सी, तो 2 टू द पावर 1 बाय सी। लॉग ऑफ 2 टू द पावर 2a प्लस 1 बाय सी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और ये का ये चीज बेस में होगा, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 प्लस ए बी प्लस 1 बाय सी। तो ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 2 टू द पावर 2 ए सी प्लस 1 बाय सी, और इधर में क्या होगा बेस में 2 टू द पावर 2c प्लस abc प्लस 1 डिवाइडेड बाय c, clcm ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस abc प्लस 1 एज इट इज। अब जो इस 2 पर पावर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस पर जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलता है कि ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2ac प्लस 1 बाय सी, और इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो c तो ऊपर चला जाएगा और 2c प्लस abc प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बचेगा यहां पर log ऑफ 2 टू द बेस 2। इस 2 से भी पावर ये हट गया और बेस पर जो 2 था उसका पावर भी हटा दिया, तो लेफ्ट वी आर लेफ्ट विथ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 जिसकी वैल्यू होती है 1। ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आता है 2 ए सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सी प्लस ए बी सी प्लस 1। नजर आ रहा है, ऊपर फिर से लिखूं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लॉग ऑफ 63 टू द बेस 140, लॉग ऑफ 63 टू द बेस 140 इज इक्वल टू व्हाट 2 ए सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सी प्लस ए बी सी प्लस 1। This is the answer. तो ये questions, इस पर based कई questions आपके NDA के exams में continuously पूछे गए। इन problems को solve करने का एक ही तरीका है कि जिसकी भी value पूछी जा रही है उसको सबसे पहले prime factors में convert कर लीजिए। prime factors में convert करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप जानते भी हैं। उसमें कन्वर्ट करने के बाद में आप ये देखने की कोशिश करिए कि आप सारे फैक्टर्स को किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5, 7 यही सब होंगे, 11, 13,
तो इनमें से कोशिश करिए कि किसी एक पर सबको कन्वर्ट कर दें। जरूरी नहीं है जैसे मैंने टू पर कन्वर्ट किया, कोई जरूरी नहीं है सबको टू पर लें, आप सबको थ्री पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको सेवन पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, श्रद्धा अनुसार है ना। ऐसा करने पर क्या होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों को सेम बेस पर कन्वर्ट करिएगा, जिस पर जो नंबर यहाँ है जिसका लॉग लिया जा रहा है वो, और जो बेस है दोनों को सेम नंबर पर पावर लगाइए। जैसे इसको मैंने टू पर लिखा तो नीचे वाले को भी टू पर लिखा, इसको थ्री पर लिख रहे हैं तो इसको भी थ्री पर लिखिए, इसको फाइव पर तो इसको भी फाइव पर, इसको सेवन पर तो इसको भी सेवन पर। तो जिस जब ये हटेंगे, पावर हटेगी दोनों की, बेस की और ऊपर नंबर की, दोनों की पावर्स हटेगी तो फिर क्या रहेगा, सेम नंबर रह जाएगा, लॉग ऑफ फाइव टू द बेस फाइव या लॉग ऑफ सेवन टू द बेस सेवन। और जब सेम नंबर रह जाएगा तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो लॉग अपने आप ही हट जाता है और रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो है वो ए बी सी डी ई एफ या जो भी नंबर दिए गए हैं एक्स वाई जेड, उस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आज तक मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपके लिए, खूब सारा को आपको मैटर मिल गया इस इन सारे प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम्स को जो हमने सॉल्व किया है, इनको ध्यान में रखकर आप आपकी जो भी बुक्स है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाती है, तो उसे आप मेरे को भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दूँगा।